ये वेरिएबल मास का प्रॉब्लम है, यूजफुल कंसेप्ट्स हैं इसमें। एक प्लेट है जो कि स्पेस में चल रही है, आगे भी गैस है पीछे भी गैस पार्टिकल्स हैं, दोनों साइड से प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। हमें जो सिचुएशन दिया हुआ है, प्लेट की वेलोसिटी यू है, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, पॉजिटिव एक्स की तरफ प्लेट जा रही है और ये वर्टिकल वाई है, वर्टिकल से कोई लिंक नहीं है हमारा। गैस पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है, मैं ये जो वेलोसिटीज दिखाया हुआ है ये इस फ्रेम में है, फिक्स्ड फ्रेम में है, और प्लेट का वेलोसिटी यू जो है वो भी फिक्स्ड फ्रेम में है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड्स हैं, एक वेरिएबल मास वाले इक्वेशन से हम इसको कर लेते हैं जो कि शॉर्ट है, लेकिन उसमें साइन का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हम लिखते हैं एम डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, प्लस माइनस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे साइन का बहुत खेल है और बच्चे उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने एक लेक्चर पुटअप किया हुआ है साइन कन्वेंशन पे, बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ये है एफ एक्सटर्नल जो प्लेट पे लग रहा है, और ये है जो कि वेरिएबल मास की वजह से थ्रस्ट है या उस पे जो पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं उनका फोर्स है। तो ये गैस पार्टिकल्स की वजह से फोर्स है और ये कोई एक्सटर्नल फोर्स जो प्लेट पे एक्ट कर रहा है, और ये प्लेट का मास एम है और डी यू अपॉन डी टी। सपोज इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि प्लेट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जीरो होगा, इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस माइनस वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी, या माइनस एफ एक्सटर्नल, ये साइन का बड़ा खेल है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, प्लस माइनस वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी। पहली बात तो इन प्रॉब्लम में जहाँ पे प्लेट से कोई मास नहीं निकल रहा है लेकिन प्लेट पे आके स्ट्राइक कर रहा है, प्लेट पे आके स्ट्राइक कर रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सपोज यहाँ पे सिचुएशन दिया है कि प्लेट पे आके स्ट्राइक कर रहा है और ये कोलिजन जो है इन इलास्टिक है, इलास्टिक भी दिया जा सकता है, उसको आप इस इक्वेशन से नहीं कर पाएंगे, उसको अलग मेथड से करना है। ये इन इलास्टिक है, ये इस पे आके स्टिक कर जा रहे हैं, प्लेट पे आके स्टिक कर जा रहे हैं, तो डीएम अपॉन डी टी पॉजिटिव है, प्लेट में से मास नहीं निकल रहा है, प्लेट में मास ऐड हो रहा है, और वी रिलेटिव को आप ये माइनस एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन वही है जो यू का डायरेक्शन है। हम इस इक्वेशन में एफ एक्सटर्नल का वही डायरेक्शन है जो यू का डायरेक्शन है, फाइनल रिजल्ट पे डिपेंड करेगा एफ एक्सटर्नल की क्या डायरेक्शन आता है। वी रिलेटिव को आपको पॉजिटिव लेना है अगर वी रिलेटिव यू की तरफ है, प्लस होगा अगर वी रिलेटिव टुवर्ड्स यू है, और माइनस होगा अगर वी रिलेटिव अपोजिट टू यू है। अब फेस ए को देख लेते हैं, सो माइनस एफ एक्सटर्नल ऑन ड्यू टू फेस ए और माइनस एफ एक्सटर्नल ड्यू टू फेस बी इज इक्वल टू, मीन्स हम दोनों फेसेस को, ये एक साइड के फेस के लिए था इक्वेशन, हम दोनों को लिख लेते हैं, बेसिकली माइनस एफ टोटल एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्लस माइनस वी रिलेटिव ड्यू टू फेस ए डीएम अपॉन डी टी ऑन फेस ए प्लस माइनस वी रिलेटिव, अब ये साइन के साथ रखना है, ऑन बी डीएम अपॉन डी टी ऑन बी। मैं दोनों साथ लिख रहा हूँ, अलग अलग भी कर सकता था पर साथ से फास्ट हो जाएगा, ये टोटल नेट एक्सटर्नल है। सो माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ए वाले फेस में, ये ए फेस है, इसमें वी रिलेटिव क्या है, वो होगी यू प्लस वी जी, गैस पार्टिकल इसकी तरफ आ रहे हैं, अलग सिचुएशन में अलग आता है लेकिन वो भी डिस्कस करूंगा तो और बहुत लेंदी हो जाएगा, वैसे ही बच्चे लेंदी पसंद नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में यू प्लस वी जी है और वी रिलेटिव यू के अपोजिट है, सो माइनस यू प्लस वी जी डी एम अपॉन डी टी ऑन फेस ए, मैं इसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं वी रिलेटिव कर लेता हूँ, और इसके लिए वी रिलेटिव क्या है, इसके लिए वी रिलेटिव होगा वी जी माइनस यू, एंड वी जी शुड बी ग्रेटर देन यू, तभी तो गैस पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, और रिलेटिव वेलोसिटी जो गैस का है वो यू के डायरेक्शन में है, ये यू है ये वी रिलेटिव है, ये यू के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखना है, और ये है वी जी माइनस यू डी एम अपॉन डी टी
बी। अब डी एम अपॉन डी टी निकालना बहुत आसान है। इस केस में आप कोई भी साइड देखिए, ये सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया है, सिलिंड्रिकल था, स्क्वायर भी हो सकता था, कोई भी डिस्टेंस एक्स ले लीजिए, ये फेस है प्लेट का, उसके आगे ये रीजन एक्स मान लीजिए, उस एक्स में कितना वॉल्यूम होगा गैस का, होगा ए एक्स, मास कितना होगा, ए एक्स इंटू रो, डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, वो है भी रिलेटिव। तो मास कितना है यहाँ पे, ये मास गैस है, मास ऑफ गैस, यहाँ पे ये मास ऑफ गैस आएगा, डी एम अपॉन डी टी जो है ये मास ऑफ गैस लिख देता हूँ, मास ऑफ गैस, और वही होगा डी एम अपॉन डी टी, जो मास ऑफ गैस चेंज हो रहा है वही पिस्टन का चेंज होगा, पिस्टन का अपना मास तो कांस्टेंट था ना, अपना मास तो कांस्टेंट था, तो वो एक ही चीज़ है, इसका मास कितना इंक्रीज हुआ या गैस कितनी एब्सॉर्ब हुई, एक ही बात है। सो एम गैस इज के एक्स इंटू रो, सो डी एम गैस अपॉन डी टी इज रो ए डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लिखना है इसको, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों साइड की अलग होगी लेकिन वो पॉजिटिव रखना है, ये पॉजिटिव है वी जी माइनस यू और उधर है वी जी प्लस यू, एज इट इज रखना है जो वैल्यूज है, और अपने आप पॉजिटिव में निकालेंगे, ये रिलेटिव हमने पॉजिटिव में निकाला है, उसके बाद यहाँ पे विद साइन रखना है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो एज इट इज जो भी रिलेटिव था वही रखना है, और वो हमने पॉजिटिव ही निकाला हुआ था क्योंकि डी एम अपॉन डी टी पॉजिटिव ही होगा। तो अलग दोनों साइड के लिए लिख लीजिए, माइनस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस यू प्लस वी जी, डी एम अपॉन डी टी यहाँ पे क्या हो गया, रो ए डी एक्स अपॉन डी टी वी रिलेटिव है साइड ए का, वो था यू प्लस वी जी, और यहाँ पे प्लस था वी जी माइनस यू रो ए, और डी एम अपॉन डी टी है क्या, वी जी माइनस यू रो ए इंटू वी जी माइनस यू, तो ये हुआ रो ए कॉमन ले लीजिए, वी जी माइनस यू होल स्क्वायर माइनस वी जी प्लस यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल। सो माइनस एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल वो होगा जो हमें लगाना होगा, फाइनली देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें मूव कराना है इसको, इज इक्वल टू रो ए वी जी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी जी यू माइनस वी जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी जी यू, तो ये आया रो ए माइनस फोर वी जी यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नल का डायरेक्शन क्या था, यू था, तो देखते हैं क्या आता है, एफ एक्सटर्नल हमारा पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स हमें एक्सटर्नल फोर्स यू की डायरेक्शन में ही लगाना है, रो ए फोर वी जी इंटू यू, इस केस में जहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन है, पार्टिकल रिबाउंड नहीं कर रहे हैं, इलास्टिक में अलग मेथड है, उसका अलग सॉल्यूशन है।